नमस्कार, स्टेटम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्यों पर केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्हें जम्मू से हटाकर कठुआ के हीरानगर उप जेल में बने होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। पहले चरण में लगभग 170 रोहिंग्यों को जम्मू से हीरानगर भेजा गया। बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग कटरा में शुरू हुई। बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि अगली सरकार हम बनाएंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि डेलर विजर्स के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। जम्मू संभाग में ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 36 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की उल्लंघना करने के मुख्य तौर पर सेल रिकॉर्ड को ठीक तरीके से ना रखने, हेरफेर करने, दवा के भंडारण की पर्याप्त क्षमता ना होने व साफ सफाई की बदहाली जैसी स्थिति के कारणों की वजह से ही इन दवा की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। जम्मू सेंट्रल महाजनसभा के चुनाव रविवार को कराए गए। इसमें रमेश गुप्ता को सर्वसम्मति के साथ प्रेसिडेंट चुना गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार की सुबह जिस वक्त सब लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा के पास भूकंप के झटकों से धरती हिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये भूकंप के झटके सुबह 4:40 पर आए। हालांकि किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और IPL के 14वें सीजन के लिए BCCI ने रविवार को शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि IPL 2021 का आयोजन भारत में ही होगा। करीब 2 साल बाद देश में ये आयोजित होने जा रही IPL के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का चयन किया गया है। IPL के इस सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से चेन्नई में होगी, जहां गत चैंपियन मुंबई इंडियन का सामना रॉयल चैलेंजर्स की टीम के साथ होगा। फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।